हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल दारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप यानी कि अपने फ़ोटो को आप किस तरह से आप आसानी से आप एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि यानी कि आप अपने फ़ोटो को आप कैसे एडिट करें। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ आप बने रहे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। एक एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर और एक एप्लीकेशन है जो पिक्स आर्ट। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। दोनों एप्लीकेशन का लिंक है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ये बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो लोड ए फोटो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी फ़ोटो आप एडिट करना चाहते हो यहाँ से आपको गैलरी का ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो गैलरी में से। जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हो, बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, पहले आप बैकग्राउंड यहाँ ये एप्लीकेशन है जो आप बैकग्राउंड हटा सकते हो पीछे से इसका जो भी बैकग्राउंड है। तो आपको यहाँ से उसके बाद यहाँ डन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो मैजिक लिखा हुआ था इसका क्लिक कर देना, ऑटो पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ से इसका पीछे से बैकग्राउंड है जो आप इस टाइप से रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैजिक पे आप क्लिक करके इस बैकग्राउंड को आप आसानी से इस टाइप से यानी कि रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड रिमूव करती है, तो आप इस टाइप से यानी कि बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो और इस टाइप से यानी कि आप फ़ोटो को आप अच्छा बना सकते हो। पीछे से आप यानी कि एक बैकग्राउंड है जो आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। इस टाइप से यानी कि आप आसानी से जो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो उस एप्लीकेशन की मदद से। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसको छोटा करना चाहो तो यहाँ पर छोटा भी आप कर सकते हो एक एक करके, यानी कि आपको बैकग्राउंड है जो आपको रिमूव कर देना है। तो दोस्तों इस टाइप से जो बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है, उसके बाद आपको पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है जो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये बैकग्राउंड है जो रिमूव हो चुका है, तो आप देख लीजिए यानी कि इसको अच्छे से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डन लिखा हो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फ़ोटो जो यानी कि इसको यहाँ सेव लिखा हुआ जो इस पर आपको क्लिक कर देना, तो ये फ़ोटो जो सेव पे क्लिक कर देना, तो ये फ़ोटो जो आपको मेमोरी में जो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है जो आपको ओपन कर लेना है। दूसरा वाला एप्लीकेशन है जो पिक्स आर्ट एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से यानी कि आप बैकग्राउंड है जो पीछे से आप अपना फ़ोटो को अच्छी तरह से आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है जो ओपन हो चुका है, तो इस प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यानी कि जो फ़ोटो हमने एडिट किया था वो वाला बैकग्राउंड रिमूव किया था ये वाला, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड गूगल से आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल से यानी कि सर्च कर लेना है बैकग्राउंड फ़ोटो, तो यहाँ से आप कौन सा बैकग्राउंड ले सकते हो। तो यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने गूगल से जो डाउनलोड कर रखा है, तो आपको भी गूगल से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड ओपन हो जाएगी पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में, उसके बाद आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड जो ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर नीचे से एप्लीकेशन बहुत सारा यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। नीचे जो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोटो एडिट किया था, यहाँ पर बैकग्राउंड जो रिमूव किया था, तो वो वाला फ़ोटो जिस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो फ़ोटो को आप आसानी से जो आप जहाँ भी रखना चाहो उस टाइप से आप रख सकते हो। और यहाँ नीचे जो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप इफेक्ट भी इसका चेंज कर सकते हो फ़ोटो का।
तो यहाँ पर जैसे कि आप इफेक्ट भी है जो चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप इस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ से जो क्रॉप का ऑप्शन भी है, तो आप जिस टाइप से यानी क्रॉप करना चाहो तो उस टाइप से आप क्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यानी कि इसका कलर है जो आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर भी है जो आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में यानी कि आप फ़ोटो आप आसानी से जो अपडेट कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको नीचे, तो इस टाइप से यानी कि। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा राइट का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फिर से ओके कर देना आपको, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड आएगा, तो यहाँ पर नो स्किप कर देना है ऐड को। उसके बाद यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये सेव हो चुका है आपके फ़ोन की गैलरी में। तो दोस्तों आप इस टाइप से यानी कि फ़ोटो को आप आसानी से एडिट कर सकते हो और अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।